हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। कहाँ हैं आप माँ, मुझे आपकी जरूरत है। आराम से माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ कोई जरूरत नहीं, अपने घर चलते हैं। वैसे भी इतना लेट हो गया, इस वक्त माँ बाप को परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। यार तुम कैसी बात कर रही हो, मॉम डैड के साथ कोई फॉर्मल होते हैं क्या? फॉर्मल की तुम खड़ी खड़ी मुझे मत देखो, तुम प्लीज बेल बजाओ। कम ऑन। वो सो गए होंगे, मैं आपसे कह रही हूँ माहिर जी, कोई जवाब। बेटी सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मामा। जुड़ी जुड़ी बेटा, क्या हुआ इसको? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बेहोश है, अभी ठीक। अच्छा अच्छा, मैं अंदर आऊँ जल्दी। नागरानी, ये सब क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगी, पहले मुझे ये बताइए कि माँ कहाँ है। माँ? माँ नहीं दिख रही, माँ कहाँ है? माहिर बेटा, माँ मैंने आपको बताया था ना, मैंने जो आपको बताया तो था, लेकिन मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी कि मिला क्या बोलना चाह रही हो, क्लियरली बोलो ना। माहिर जी, she isn't here. But she is. नहीं माहिर जी, वो यहाँ नहीं है। वो वहाँ है सामने। माँ रियली सॉरी माँ, वो हॉस्पिटल में आ नहीं पाया आपसे मिलने के लिए। जूही, 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 मेरी जूही, मेरी बच्ची, जूही, मेरी छोटी, मेरी जू। बेटा तूने तो पता था कि जूही तो कि हमने इसे खो दिया, मुझे ऐसा ही लगा था माँ, लेकिन भगवान की दया से सब ठीक हो गया। जूही हमारे पास लौट आई, हमें इन्हें अंदर लेके चलना चाहिए। हाँ माँ, आप ही पूछ लो, मुझे तो बताती नहीं, शायद आपको ही बता दे। माहिर बेटा। हाँ जी। चाय तो पियोगे ना? हाँ पियूंगा जरूर, लेकिन बनाऊंगा मैं खुद। अरे हाँ, पर आप यहाँ कैसे? मुझे तो लगा आप जंगल में होंगे। हाँ मिला, मैं काफी दिनों तक वहीं थी, लेकिन जब जड़ी बूटियों के असर से मैं ठीक होने लग गई तो मुझे वहां रहना मुनासिब नहीं लगा। पहले मुझे इस बात का डर था कि किसी को मेरे जिंदा रहने की भनक ना लग जाए, खास करके उस विक्रांत को, इसलिए मैं यहाँ चली आई पंडित जी के पास, उनसे पूछने के लिए कि कुछ दिनों के लिए अगर मैं यहाँ रुक जाऊँ तो मैं तुझसे भी मिल लूंगी। लेकिन इत्तेफाक से तो खुद यहाँ आ गई और साथ में मेरी जूही को भी लेकर आई। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है मेरा। वाकई माँ, किसी चमत्कार से कम था सब कुछ। पहले मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया माँ, फिर मेरा सिर्फ एक सहारा था विक्रांत, और फिर मैंने उसे भी खो दिया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, विक्रांत की मौत का बदला। मैं अपने नए चेहरे के साथ विक्रांत की मौत का बदला लेना चाहती थी। तब जो ही तेरे साथ थी है ना? हाँ माँ, और मैंने इससे कहा भी था कि तुम नागरानी बन जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने बदले से मतलब था। लेकिन जूही नहीं मानी, उसने कहा कि उसे नागरानी नहीं बनना। फिर एक के बाद एक सब चीजें बिगड़ने लगी। पहले मुझे विक्रांत का असली चेहरा पता चला, फिर विशाखा की असलियत समझ में आई। बस माँ, अब बहुत हो गया। अगर मैंने विशाखा और विक्रांत को खोया है, मैंने आपको और जूही को वापस पाया भी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बेला कि हम सब साथ हैं। यकीन मुझे भी नहीं हो रहा माँ, लेकिन यही सच्चाई है। हमारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका, जो गलत होना था हो गया, अब सब अच्छा होगा। माँ, अब हम सब ना एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों की नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ऐसी जो नई मुसीबत आई है किसी तरह टल जाए। ऐसी मुसीबत? अब तो माँ, मैं कमें आओ ना बेटा,
ये चाय पी लीजिए। अरे इससे आपकी टेंशन दूर हो जाएंगी। बेटा आपने क्यों मुसीबत उठाई? अरे आप ऑलरेडी इतने परेशान थे, मुझे लगा ये तकलीफ तो मैं उठा ही सकता हूँ। मेरी चाय कहाँ? वो मैंने पी ली। पीला? अच्छा सुनो, आप दोनों को निकलना चाहिए, काफी रात हो गई है ना। नहीं, अगर बिला रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है, मतलब मैं अकेले जाऊंगा उसे पे। नहीं माँ, मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना और जूही का भी, पहुंच के आपको फोन करती हूँ। ख्याल रखना अपना। हाँ आप भी जी खुश रहो। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? तुम्हारी माँ का वो रिएक्शन, जैसे उन्होंने देखा ना तुम्हारी बहन को, she was so happy. अच्छा लगता है देखे, कितनी खुश हो गई थी वो। I'm very happy. मुझे लग रहा है इसके आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या हुआ बेला, तुम रो क्यों रही हो? बेला are you okay? No, I'm not okay. क्या हुआ बेला? सॉरी माहिर जी। अरे सॉरी क्यों कह रही हो बेला? कोई बात नहीं, जरा सी खरोंच है, रोना मुझे चाहिए रोना। बेला तुम देखो चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम चुप नहीं हुई ना तो मैं रोना शुरू कर दूंगा और मेरी आंखें आंसू ना नाक से निकलते हैं फिर। हाय, यही तो चाहिए था, ऐसी हंसती रहा करो, देखो कितनी अच्छी लगती हो। बेला कभी नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा, अब चलिए। बेला मैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे चोट लगी कैसे। केव की दीवार से सिर भिड़ गया था। अच्छा, और तुम मुझे छोड़ के चली गई अकेले? क्यों सोच रहे हैं आप उसके बारे में? क्यों सोच सोच के सर दुखा रहे हैं? मत कीजिए ना ऐसा, दिखाइए। हो गया हो गया हो गया। बिला सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा हुआ क्यों, वो हो क्या रहा था? अच्छा जी, मतलब मेरी बोलती ऐसे बंद करोगी तुम? आपको क्या लगता है और क्यों खोल रही हो? वैसे यू नो व्हाट, अच्छा लगता है मुझे जब लड़कियां अपनी चलाती है तो। आई नो, यहां पे भी चोट लगी आपको, दिखाइए, दर्द हो रहा है? और नहीं तो क्या। सॉरी सॉरी, आउच, हो गया। वो करो ना, अच्छा लग रहा है, और करो ना। अरे क्या है ये? इस पोजीशन में दवाई अच्छे से लगती है। किसने कहा है ये? डॉक्टर ने। अच्छा, कौन से डॉक्टर ने? ओ बेला, चोट तो तुम्हें भी लगी है। Let it be, माहिर जी, ये चोट की वजह मैं खुद हूँ माहिर जी, लेकिन जो चोट आपको लगी है वो भी मेरी वजह से लगी। बेला क्यों इतना सोचती हो, क्यों ये सब कुछ कह रही हो? क्योंकि ऐसा ही है माहिर जी, मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ सब उथल पुथल हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है that no one is able to explain. माँ इस घर में यही सोच के शिफ्ट हुई थी कि शिफ्ट होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियां लौट के आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ
और खराब होता जा रहा है और मुझे जेन्युइन नहीं लगता इस सब की वजह मैं हूं। बेला, इन सब की वजह तुम नहीं हो, इन सब की वजह यूवी है, जो एक्चुअल में यूवी है भी नहीं। को कुछ नहीं पता माहिर जी। I have so much to tell you, so much to explain. ये सब मुझसे जुड़ा है, मेरे अतीत से। बेला, तुम्हारा अतीत जो भी कुछ था अब ठीक हो रहा है, अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, समझ रहे हो? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेला, तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया अपनी माँ और बहन के बारे में? क्यों नहीं मुझे बताया? मुझे कुछ पता ही नहीं था। इनफैक्ट हमारी शादी में भी ये लोग नहीं आए थे। कहाँ थे तभी लोग? इनफैक्ट मैं तो ये सोचता था कि तुम इकलौती बेटी हो अपने पापा की। आपको बहुत कुछ बताना है।